गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ठीक है, तो हम नाइन्थ साइंस पार्ट टू में फर्स्ट चैप्टर देखने वाले हैं, मतलब पार्ट टू का फर्स्ट चैप्टर, जिसमें तुम्हारा सिक्स चैप्टर है क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो हम थोड़ा बायो के टॉपिक पे डिस्कस करने वाले हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स इस लेसन में सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन है बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में चार्ट कभी कभी पूछ दिया जाता है 4 या 5 मार्क्स के लिए। हम इस पर गौर नहीं करते, ध्यान नहीं देते, शायद पूछ दिया भी जाता है कभी कभी। पर अब क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स, सबसे पहले इस लेसन का नाम देखो, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांट्स मीन्स वॉट, इस प्लांट का क्लासिफिकेशन क्या होगा। सबसे पहली बात, क्लासिफिकेशन क्यों करते हैं? क्लासिफिकेशन हम समय बचाने के लिए करते हैं और जल्द से जल्द रिजल्ट आने के लिए करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, तुम किसी मेडिकल शॉप में जाओ, वहाँ पे जो भी मेडिसिन के जो ड्रॉवर्स होते हैं उन पे अल्फ़ाबेट्स लिखे होते हैं, A, B, C। अगर कोई इंसान दवा लेने आता है, समझो उस दवा का नाम किसी स्पेलिंग से स्टार्ट है, मान लो सेरोडॉन S से, तो S से स्टार्ट है, तो क्या करेंगे, S वाला ड्रॉवर खोलेंगे और उसमें S वाले ही दवा सारी होंगी, तो उसमें से वो क्या करेंगे, वहाँ से चूज़ करेंगे। तो समय बचता है और जल्द से रिजल्ट मिलता है। तो इसलिए क्लासिफिकेशन करने के लिए हम प्लांट का क्लासिफिकेशन देखने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। क्या देखेंगे? 5 किंगडम क्लासिफिकेशन। अब ये 5 किंगडम क्लासिफिकेशन हम ऑलरेडी 8 में ही पढ़े थे, जिसका जो डिस्कवरी, जो इस थ्योरी को प्रपोज किया था, उनका नाम था रॉबर्ट विट्टकर। क्या था? रॉबर्ट विट्टकर। इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन, मतलब तुम्हें याद होगा, मोनेरा, प्रोटिस्टा, पहला कौन सा था, मोनेरा, दूसरा प्रोटिस्टा, तीसरा फंगी, और उसके बाद था किंगडम प्लांटे, और था लास्ट का एनिमेलिया। ठीक है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांटे और एनिमेलिया, जो तुम्हारे सामने है। अब ये 5 किंगडम क्या थे क्लासिफिकेशन के, देखो पहला है मोनेरा, वेयर इज प्रोटिस्टा, मोनेरा है, प्लांटे, फंगी है, एनिमेलिया है। ठीक है, इसमें प्रोटिस्टा नहीं दिया है। ठीक है, तो ये है तुम्हारा प्रोटिस्टा, ये मोनेरा है, ये तुम्हारा प्रोटिस्टा है, उसके बाद यहाँ पे प्लांटे और फंगी और एनिमेलिया, 1, 2, 3, 4, 5, इसमें ऐसा कुछ दिया ही नहीं, पर हम ए स्टैंडर्ड में ऑलरेडी पढ़े थे इसके बारे में। तो आते हैं सबसे पहले इस चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। देखो क्या दिया यहाँ पे, दिस इज़ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये लिविंग ऑर्गेनिज्म दो ग्रुप में बटा है, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब वो जिसमें आते हैं बैक्टीरिया, सारे बैक्टीरिया। इसमें क्या होता है कि इस जो भी प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज्म है उसमें जो भी न्यूक्लियस होगा, उस न्यूक्लियस के अराउंड में कोई भी सेल मेम्ब्रेन और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होता नहीं है। तो यहाँ पे हम कहेंगे जो न्यूक्लियस के अराउंड में जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, वो एब्सेंट होता है। क्या होता है? एब्सेंट, इसलिए उसे कहते हैं प्रोकैरियोटिक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, सॉरी, एब्सेंट नहीं होता है, प्रेजेंट होता है। क्या होता है? प्रेजेंट। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट। अब ये जो बैक्टीरिया है इसके अराउंड में, ये जो न्यूक्लियस है इसके अराउंड में ऐसे मेम्ब्रेन होता है। क्या होता है? मेम्ब्रेन। मीन्स न्यूक्लियस के अराउंड में अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है तो उसे हम कहते हैं प्रोकैरियोटिक, अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है तो उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन क्या होता है? एब्सेंट होता है, उसे कहते हैं यूकैरियोटिक। मतलब यहाँ पे जो भी न्यूक्लियस होगा उसके अराउंड में कोई भी ऐसा प्रोटेक्टिव कवरिंग उसके पास होगा नहीं है। न्यूक्लियर जो सेल होता है वो क्या होता है? एब्सेंट होता है। तो याद रखना, ये प्रोकैरियोटिक और वो है यूकैरियोटिक। प्रोकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट, यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट, याद रहेगा। ठीक है, अब यूकैरियोटिक में जैसे प्रोटोजुआ आ गया, क्या आ गया? प्रोटोजुआ, तो ये पता होगा, जो आदि जीव कहलाता है। क्या कहलाता है? आदि जीव, अमीबा वगैरह इसमें आते हैं। तो ये हो गया, ये दिया नहीं है, बस तुम्हें मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा नॉलेज दे रहा हूँ, कुछ नहीं। ठीक है, अब प्रोकैरियोटिक में कौन आता है? मोनेरा आता है। कौन आता है? मोनेरा। यूकैरियोटिक में, यूकैरियोटिक इज डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरी, यूनिसेल्युलर एंड मल्टीसेल्युलर। व्हाट इज यूनिसेल्युलर? यूनि का मतलब होता है सिंगल, अ सेल मतलब सिंगल सेल। द लिविंग ऑर्गेनिज्म विच मेड अप ऑफ ओनली सिंगल सेल, उसे कहते हैं यूनिसेल्युलर ऑर्गेनिज्म, जो सिर्फ सिंगल सेल से बना होता है।
जैसे अमीबा, पैरामेशियम, युगलिना वगैरह ये सब हो गया। मल्टी सेलर ऑर्गिज्म जो बहुत सारे सेल्स से बनाता है, द बॉडी और ऑर्गिज्म विच मेड अप ऑफ मेनी सेल, जो ऑर्गिज्म की बॉडी बहुत सारे अलग अलग सेल से बना होता है उसे होते हैं मल्टी सेलर। तो इसमें आएगा मेड अप ऑफ मेनी सेल, ठीक है। मल्टी सेलर ऑर्गिज्म मतलब हम खुद ह्यूमन बॉडी, ह्यूमन इज अ मल्टी सेलर ऑर्गिज्म। सिंगल सेल जैसे अमीबा, पैरामेशियम, ये सब क्या है, सिंगल सेल है। मल्टी सेलर में हम लोग आते हैं हाइड्रा आता है, स्पायरोगायरा आता है, दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ मल्टी सेलर ऑर्गिज्म। अब मल्टी सेलर में और दो ग्रुप हुए, विथ सेल वॉल एंड विदाउट सेल वॉल। मतलब जो भी लिविंग ऑर्गिज्म है, ठीक है, उनकी बॉडी जो है उनके सेल वॉल, मतलब वो जो सेल है उसके उसके सुरक्षा के लिए एक वॉल होता है। तो सेल वॉल यहाँ पे प्रेजेंट है, यहाँ पे सेल वॉल एब्सेंट है। अब सेल वॉल जिसमें प्रेजेंट है वो पूरा, उसमें कौन है, दो है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटोट्रॉप में आता है प्लांटे, हेटरोट्रॉप्स में आता है फंगी। तो ये पूरा हमारा प्लांट वाला ग्रुप आ गया, ठीक है। तो सेल वॉल प्रेजेंट में कौन है, ऑटोट्रॉप्स एंड हेटरोट्रॉप्स। ऑटो मतलब प्लांटे आएगा, ऑटो का मतलब जो लिविंग ऑर्गिज्म खुद का खाना खुद बनाते हैं, दे मेड देयर फूड बाय ओन, इज कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। और जो दूसरे पे डिपेंड करते हैं, खुद का खाना खुद नहीं बना सकते, वो है हेटरोट्रॉप्स, उनमें आते फंगी। और विदाउट सेल वॉल जिसमें सेल वॉल नहीं होता वो है एनिमेलिया, मतलब उसमें सब एनिमल्स आएंगे, क्या आएंगे, एनिमल्स। तो ये विद सेल वाला पूरा प्लांट से रिलेटेड है और विदाउट सेल वाला पूरा एनिमल से रिलेटेड है। किससे, एनिमल्स, याद रखना, ठीक है। तो ये सिर्फ टेबल है, इसके आगे हमें अंदर डिटेल में जाना है अच्छे से। तो ये एग्जाम में पूछा जाता है, इसलिए मैं तुम्हें सिखा दिया इसको याद कैसे करना है। लिविंग ऑर्गिज्म यहाँ पे प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, प्रो में मोनेरा, मतलब इतना याद रखना कि एक बाप है, उसके दो बच्चे हैं, दोनों की शादी हुई, शादी के बाद प्रोकैरियोटिक का एक बेटा हुआ मोनेरा, और यूकैरियोटिक के दो बेटे थे, यूनिसेल्युलर मल्टी सेल्युलर। यूनिसेल्युलर बेचारा शादी किया नहीं, ऐसे ही रह गया, सिंगल अकेला रह गया, पर मल्टी ने शादी किया, उसके दो बच्चे हो गए, एक कपड़े पहने हुए और दूसरा बिना कपड़े का, मतलब विथ सेल वॉल एक विदाउट सेल वॉल। तो विथ सेल वॉल जो कपड़े पहने थे उसमें दो थे, कपड़े पहने और उसके दो बच्चे थे, ऐसे याद कर सकते, तुम कैसे भी ट्रिक वाइज को याद कर सकते हो, ठीक है। तो अब आते हैं हम किंगडम प्लांटे पे। अब किंगडम प्लांटे में ये आज के लेक्चर में सिर्फ इंट्रोडक्शन चल रहा है, इसका बेसिक है। नेक्स्ट लेक्चर से मैं इसका स्टार्ट करूँगा अच्छे से, तुम्हें जो एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, और कभी कभी ये भी पूछते हैं वो एग्ज़ाम में, हम इस पर ध्यान नहीं देते, इसलिए मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब सबसे पहले किंगडम प्लांटे, प्लांट आ गया मतलब वो कैसा होता है, ऑटोट्रॉपिक होता है, यूकैरियोटिक होता है, यूकैरियोटिक मतलब उसमें सेल वॉल क्या होता है, प्रेजेंट होता है। तो ऑटोट्रॉपिक यूकैरियोटिक सेल वॉल को हम कहते हैं प्लांट, क्या कहते हैं, प्लांट। और दिस प्लांट मेक देयर फूड बाय प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस। तो ये जो ऑटोट्रॉपिक हो या यूकैरियोटिक हो या सेल वॉल प्रेजेंट वाला हो, इन सब में एक प्रोसेस होता है जिसका नाम है फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस ये वो प्रोसेस है जिस प्रोसेस से कोई भी प्लांट अपना खाना बनाता है। अब ये फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होने के लिए उस प्लांट के अंदर सबसे पहला एक पिगमेंट होता है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल होना बहुत जरूरी है, मीन्स प्लांट मेक देयर फूड बाय द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल विच प्रेजेंट इन द लीव्स। ये एक ग्रीन कलर का पिगमेंट होता है, ठीक है, ग्रीन कलर का। देखो मैंने तुम्हारे सामने एक छोटा सा लीव्स लेके आया प्लांट का, दिख रहा होगा तुम्हें अच्छे से। तो ये इसका कलर जो है ग्रीन कलर का है। अब ये जो पत्ता है ना, इस पत्ते से, फॉर एग्जाम्पल ये जो लीव्स है, ये लीव्स क्या करता है, इस लीव्स से ही फूड बनता है। कैसे बनता है वो हम आगे देखेंगे, 10th स्टैंडर्ड में तुम्हें फोटोसिंथेसिस पूरा प्रोसेस है, शायद नेक्स्ट चैप्टर में है, तो मैं डिटेल में अच्छे से बताऊंगा हाउ टू मेक फूड बाय प्लांट विद द हेल्प ऑफ फोटोसिंथेसिस प्रोसेस। तो ये जो प्लांट है इसमें ग्रीन कलर है, क्या है, ग्रीन कलर। ये जो ग्रीन कलर है, इस ग्रीन कलर के अंदर क्या है, एक पिगमेंट है जिसका नाम है क्लोरोफिल। क्या है, क्लोरोफिल। अब ये क्लोरोफिल की मदद से क्या करता है, प्लांट अपना खाना बनाता है, ठीक है। तो ये आज का हमारा इंट्रोडक्शन लेक्चर था, ठीक है।